तो दोस्तों फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है Realme 8 सीरीज का लेटेस्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन Realme 8 जो कि साइबर सिल्वर कलर है। एंड दोस्तों मैंने इसको परचेस किया था 25 मार्च को जो कि फर्स्ट सेल था एंड पहला सेल जो कि ओपन सेल था Realme की तरफ से। तो मोस्टली काफी सारे लोगों ने इसको परचेस किया था एंड दोस्तों फर्स्ट सेल में आपको पता होगा कि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट था जो कि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर था। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स एंड देखते हैं कि इस बार को Realme 8 सीरीज में क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है, क्या कुछ आपको बॉक्स कॉन्टेंट इसी Realme 8 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस इस टाइप से देखिए आपको इस बार को येलो बॉक्स मिल जाता है जो कि टिपिकल फर्स्ट आपको Realme 8 का स्मार्टफोन मिलता था। सो इस बार देखेंगे आपको सलमान खान का फोटो अपने Realme 8 स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है जैसे कि 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, स्लिम स्मार्टफोन है, हेलियो G95 का प्रोसेसर है, 33 वाट का सुपर डॉट चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी बैकअप है। कलर के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने साइबर सिल्वर कलर को बुक किया है। एंड दोस्तों वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो 4GB प्लस 128GB टोटली 15000 में मैंने इसको परचेस किया है। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स एंड देखते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या कुछ बॉक्स कंटेंट मिलते हैं। सो बॉक्स ओपन करने के बाद एज यूजुअल आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जो कि वेलकम का ग्रीटिंग मैसेज रहता है, लेकिन इस बार देखेंगे इस छोटे बॉक्स में आपको डेयर टू लिप जरूर लिखा हुआ है। सो गाइस छोटे बॉक्स के अंदर देखें आपको सिम इजेक्टर टूल जो कि आप देखेंगे सिम कार्ड या फिर जो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए काफी यूजफुल है। एंड उसके अंदर देखेंगे आपको ट्रांसपेरेंट बैक केस को मिलता है, उसके साथ ही देखेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्विक स्टार्ट गाइड है वो भी आपको मिलता है। एंड दोस्तों ये जो ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर प्योरली आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर नहीं है, मतलब ये हल्का सा डार्क शेड है, मतलब आपको ग्रे टाइप का ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम नजर डालेंगे Realme 8 स्मार्टफोन की तरफ से जो कि आप देखेंगे साइबर सिल्वर कलर जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है आउटडोर में, उसके बाद हम बात करेंगे इंडोर में जो कलर है काफी चमक देता है। एंड दोस्तों इस Realme 8 का जो बैक डिजाइन आप देखेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैमरा वाला पार्ट्स जो कि सिल्वर कलर के साथ मिल जाता है एंड दूसरा पार्ट्स जो कि डेयर टू लिप वाला पार्ट्स है, उसके बैकग्राउंड में देखेंगे आपको मल्टीपल रेनबो कलर्स का इफेक्ट मिलता है। सो गाइस आउटडोर में देखेंगे इस Realme 8 स्मार्टफोन का जो एक्चुअल लुक है जो कि यार काफी प्रीमियम लुक मिल जाता है जिसका नाम साइबर सिल्वर कलर है। तो दोस्तों कंपनी ने काफी एक्यूरेट नाम इसको रखा गया है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर को मिल जाता है USB टाइप सी केबल जो कि चार्जिंग करने के लिए या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मिल जाती है। उसके बाद चार्जिंग एडाप्टर है जो कि आउटपुट रेटिंग देखेंगे 5 वोल्ट एंड 6 एम्पीयर मतलब कि 30 वाट का सुपर डॉट चार्जर जो कि इन दी बॉक्स Realme 8 स्मार्टफोन के साथ मिलता है। तो दोस्तों इतने सारे बॉक्स कंटेंट्स आपको बॉक्स के अंदर मिलते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं फोन की तरफ एंड देखते हैं क्या कुछ खास है। तो जल्दी से करते हैं फोन को स्टार्ट एंड दोस्तों स्टार्ट होने के बाद जो भी सेटअप की सेटिंग्स है फोन की सेटअप की सेटिंग्स कंप्लीट करते हैं। तो मैंने सारी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट किए गए। एंड दोस्तों Realme की तरफ से फर्स्ट टाइम Realme 8 स्मार्टफोन की सीरीज में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 2.0 विद Android 11 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, मतलब दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से Realme UI 2.0 अपडेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दोस्तों Realme UI 2.0 होने के बाद आपको देखेंगे काफी सारे फीचर्स आपको इन दी बॉक्स मिल जाता है। तो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स के वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। फोन के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे तो फोन के राइट साइड में देखेंगे आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम रॉकर की बटन से मतलब कि वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन से। फोन के लेफ्ट साइड में देखेंगे जो कि सिम कार्ड रहे मतलब कि ट्रिपल सिम कार्ड रहे जिसमें आप आसानी से 2 नैनो सिम कार्ड के साथ साथ 1 माइक्रो एसडी कार्ड आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। उसका दोस्तों बॉटम साइड में देखेंगे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, USB चार्जिंग पोर्ट जो कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड स्पीकर ग्रिल्स है। उसके बाद टॉप साइड में देखेंगे आपको सिर्फ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, मतलब कि एयर ब्लास्टर सेंसर Redmi की फोन्स की तरह इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बैक डिजाइन के बारे में जो कि प्लास्टिक का मतलब कि पॉलीकार्बोनेट का बैक है, लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे शाइनी लुक मतलब कि काफी ग्लोसी लुक आपको देगा। टू पार्ट्स में डिजाइन को डिवाइड किया गया है, मतलब दोस्तों कैमरे का जो पार्ट्स है सिल्वर कलर का है एंड दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि डेयर टू लिप का पार्ट्स है जो कि बैकग्राउंड आपको काफी मल्टीपल कलर्स मतलब रेनबो कलर्स इफेक्ट मिलता है। इसके बाद दोस्तों रियर कैमरा माउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम Realme 8 सीरीज में आपको स्क्वायर शेप कैमरा मिलता है जो कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 22 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो एज यूजुअल आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी इसमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो Realme 8 में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी देखेंगे आपको Realme 7 के मुकाबले काफी बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, काफी ब्राइट डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगी। सो गाइस अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फोन चाहिए तो अंडर 15,000 की कैटेगरी में देखेंगे Realme 8 काफी बेटर चॉइस है।
इसके बाद दोस्तों हम नजर डालेंगे सॉफ्टवेयर यूआई के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रियलमी की तरफ से इस बार आपको रियलमी 8 सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी यूआई 2.0 विद एंड्रॉइड 11 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से रियलमी यूआई 2.0 का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दी बॉक्स आपको काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओप्पो के कलरोस 11 में जितने सारे फीचर्स मिलते हैं उतने सारे फीचर्स आपको रियलमी 8 सीरीज में मिल जाते हैं। बस आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देने के लिए रियलमी ने अपनी तरफ से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया है। एंड दोस्तों अगर आपको रियलमी 8 सीरीज के जितने सारे हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके रियलमी 8 सीरीज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आप इजीली चेकआउट करके देख सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए देखेंगे, इसमें आपको फेस अनलॉक का फीचर से इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, पासवर्ड एंड पिन का सपोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों इस रियलमी 8 का जो फेस अनलॉक का जो स्पीड देखेंगे काफी फास्ट है। फोन की तरफ देखेंगे थोड़ा सा मुंह ढकने के बाद आप देखेंगे फोन काफी क्विकली अनलॉक हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे अंडर 15,000 में आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से रियलमी 8 काफी स्पेशल फोन बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अंडर 15,000 में कोई बेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना है तो रियलमी 8 की तरफ आप इजीली जा सकते हैं। एंड दोस्तों इसका जो फास्ट स्पीड देखेंगे फोन की तरफ, मतलब कि फिंगर ऐप पर टच करने के बाद क्विकली ऐप पर फोन ऐप पर अनलॉक हो जाता है। एंड दोस्तों इस बार देखेंगे रियलमी 8 सीरीज में जो कैमरे के फीचर्स है, काफी सारे कैमरे फीचर्स भर के दिए हैं। लेकिन दोस्तों रियलमी 8 में देखेंगे एज कम्पेयर टू रियलमी 7 तो काफी सारे फीचर्स जो कि फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरे में प्रोवाइड किया गया है। एंड दोस्तों वीडियो में भी देखेंगे काफी सारे फीचर्स आपको सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों टिल्ट शिफ्ट का जो फीचर्स है वो भी प्रोवाइड किया गया रियलमी 8 प्रो दोनों स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। ऊपर के साइड में देखेंगे सेटिंग में जाने बाद जो भी आपको सेटिंग्स मिसिंग्स थे, मतलब कि रियलमी 7 सीरीज में मिसिंग्स थे, तो इस बार देखेंगे काफी सारी सेटिंग्स आपको रियलमी 8 सीरीज स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आपको काफी सारे फीचर्स है, मतलब कि सुपर स्टडी नाइट मोड का फीचर्स है, वीडियो पोर्ट्रेट मोड से। उसके बाद दोस्तों मोर की कैटेगरी में जाने के बाद देखेंगे आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का सपोर्ट इसमें मिलता है, मतलब कि एक ही साथ फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों जो भी व्लॉग के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए देखेंगे जो फीचर्स है काफी स्पेशल फीचर्स है। इसके अलावा टेक्स्ट स्कैनर से, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करने का फीचर मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको मूवी शूटिंग का भी फीचर मिलता है, मतलब कि अगर आपको कुछ सिनेमेटिक टाइप का या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो भी इजिली वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको रियलमी 8 के कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा सेटिंग्स की वीडियो चाहिए तो भी आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस फोन से मैंने कुछ फोटो सैंपल्स कैप्चर किए गए, तो सारे यहाँ पर सैंपल्स आप वन बाय वन चेक करके देख सकते हैं। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि इस फोन में एक अपडेट आना काफी जरूरी है, जिसकी मदद से आपको जो कैमरा क्वालिटी, मतलब कि जो इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पर बेटर हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।